जो अब किसानों की बात करते करते अब बैंकों की बात करने लग गए हैं, तो सवाल यहां से यह खड़ा हो गया कि क्या वाकई किसानों के वो नेता हैं या फिर राजनेता हैं? क्या विपक्ष की भूमिका वो निभाना चाहते हैं या उसके बाद फिर सत्ता में आना चाहते हैं? सीधे आपके पास आऊंगा। क्या यह माना जाए कि अगर किसान आंदोलन से जुड़ी जो भी आपकी मांगे हैं, नई मांगों को भी अगर मैं जोड़ लूं उसमें, वो सब भी अगर सरकार मान ले तब भी आगे आंदोलन आप जारी रखेंगे, क्योंकि अब बैंकों वाला मामला आप लोग उठाने वाले हैं? आपको स्पष्ट जो मांगे हैं वो पुरानी हैं, अगर उनको सरकार मान लेती है किसान हंसी खुशी घर चला जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर इनको तर्क देने का नहीं बनता, ये बहस करने लगते हैं। ये बताइए, हमारा पैसा उद्योगपति दबा के बैठे हैं, गन्ना किसान का पैसा, ये 14 दिन का वादा किया, पिछले वर्ष का अभी तक नहीं मिला, और किसान को लोन दे देते हैं। अरे किसान कहां से भरेगा, कहां से रोजी रोटी चलाएगा? ये चाहते हैं हमारी फसल आधे रेट में बिके तो हम ना बोलें। उद्योगपति जो हमारे देश के वो कई गुना बढ़ोतरी करके एशिया में नंबर एक पे जा रहे, एनसीआरटी के आंकड़े है, किसान की आय पिछले 2-3 सालों में 35-40% कम हो गई। एनसीआरटी का आंकड़ा है पिछले 19-20 में 18% किसानों ने अधिक आत्महत्याएं कर ली। ये क्या चाहते हैं, किसान को मारना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इनको ये बताएं, ये हमारी 2022 में आय दुगनी करना चाहते थे, 3 पहले लिस्ट बीजेपी के सपोर्टर बैठे हैं, कोई सा एक बता दे कैसे किसान की आय दुगनी करेंगे? अरे हम तो अभी खुश होने वाले, 20-25 दिन बाद हमारी आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, देश के विकास की बात नहीं करते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, और चूंकि अभय दुबे जी कुछ इसमें कहना चाह रहे हैं, अभय दुबे जी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, समित मलिक जी आपकी बात हो गई, अभय जी एक सवाल भी इसमें जोड़ देता हूं, आप अपनी बात रखिए, एक और सवाल जोड़ दूं, चूंकि कर्ज माफी का जिक्र यहां पर कर दिया समित मलिक जी ने, आपको भी पता होगा पंजाब में कांग्रेस की जो सरकार है, आप लोगों ने पिछले चुनाव में घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था पूर्ण कर्ज माफी का, अब तक नहीं कर पाए, तो क्या तमाम सरकारें किसानों के साथ सिर्फ छल करती रही हैं? अभी परसों पंजाब की सरकार ने पूरा डेटा रिलीज व्हाइट पेपर इशू किया है, कितने किसानों का 5,818 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, मध्य प्रदेश 27 लाख किसानों का, जिसमें मुख्यमंत्री के भाई और कृषि मंत्री के भाई भी थे, वो हमने डेटा 27 लाख किसानों का विधानसभा में शिवराज सरकार ने जारी किया, तीनों प्रदेश में किया। मैं सिर्फ दो बातें रखना चाहता हूँ, एक तो हमने पंजाब राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों का समर्थन मूल्य का कानून बना करके राष्ट्रपति के पास भेज रखा है, मोदी सरकार एक साल हो गया उसको अप्रूव नहीं कर रही है। इन्होंने जो कानून बनाया है, इनको अधिकार ही नहीं था, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री 14 में स्टेट की, इन्होंने एंट्री 33B कॉन्करेंट लिस्ट में वाणिज्य और व्यापार में एग्रीकल्चर का कानून बना दिया, वाणिज्य और व्यापार का कानून बना दिया, इनको इनको समझना चाहिए, लेकिन वहां इनसे मानते बताना चाहिए, ये कानून का अधिकार ही नहीं इनको बनाने का, इनको सिर्फ जवाब दीजिए एंट्री 33B में। अखिलेश जी, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी वादा किया था, कांग्रेस ने राजस्थान में भी किया था, लेकिन वहां भी कर्जा माफ नहीं हुआ। हमारी किसी से हमदर्दी नहीं है, हम ये कहते हैं कि सारी सरकारें किसान को कुचलने का काम करती है, और जब विपक्ष में होती है तो हमारी हमदर्द हो जाती है और हमारे कंधे पर पैर रखकर। ठीक है, मैं समझ गया अभय दुबे जी, आपको सबित मलिक जो किसान नेता कह रहे हैं कि आप लोग भी ईमानदार नहीं है किसानों को लेकर, अभी भले इनके साथ हो रहे हैं आप इस आंदोलन में, चलिए ठीक है। शिवम त्यागी जी, 27 लाख किसानों की लिस्ट दे के आए हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आपको भी देखिए, अब इनको कहिए ना, अखिलेश जी अभय जी को कहिए ना, अब चलाने से क्या लाभ, उनका नाम तो शिवम त्यागी है नहीं, तो मुझे मौका दे दीजिए, मैं नहीं चलाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रमन्ना जी की कुर्सी थोड़ी देर के लिए राकेश टिकैत जी के पास चली गई थी, वो हटाकर अभय जी को दे दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कानून के नए जानकार ये हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, इनको इतना अगर सारी चीजों का ज्ञान है तो पंजाब में जो सरकार में आप किसानों को 5 साल की जेल, और सुन लीजिए इतना इंटॉलरेंट मत हो जाया कीजिए, अभय जी मेरी आवाज बहुत शानदार है, तो वो जो 5 साल तक की सजा वहां पर दे रहे हो किसानों को, वो कौन से कानून के तर्कसंगत दे रहे हैं आप? लोकसभा राज्यसभा में जब कानून पारित हुआ तब आपने क्यों जवाब नहीं दिया, फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया? अखिलेश जी आपको इस डिबेट को डेकोरम में रखना पड़ेगा, जब वो चिल्ला रहे थे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था, बोलिए तो कह दीजिए कि ये जब बोलते हैं मैं भी चिल्लाना। अभय जी शिवम त्यागी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बारी बारी से बोलिए तब मैं बोलना शुरू करूंगा।
ये आपत्तिजनक है। अभय जी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश का नाम है अभय जी। अभय जी अभय जी अपनी बात मैं आप ही के पास आऊंगा। शिवम त्यागी को बोलने तो दीजिए, आप अपनी सारी बातें रखिएगा, जो जो आप कह रहे हैं सब कहना कह दीजिएगा। बोलिए जल्दी से शिवम त्यागी। हाँ हाँ नहीं मतलब किसान नेता को गाली देनी है, अभय जी को गाली देनी है। अभय जी दादाजी की उम्र के हैं आप, मेरे कम से कम मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए, इतना इंटॉलरेंट काय हो रहे हैं। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस कानून की ये बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार उसको लाई, प्रधानमंत्री ने इस बात पर फिर से चलाना देखिए हर बात पर एकदम गुस्सा हो जाए, इतना टच क्यों हो रहे हैं आप? सुन जाइए ना जरा मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद मैं सुनूंगा। बच्चे से सर उम्र के लिहाज से आदमी का तर्क नहीं नापा जाता, उम्र के लिहाज से तजुर्बा नहीं नापा जाता, वरना राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते हैं। प्लीज सुनिए, युवा मत बने रहिए आप भी, 55-60 साल के होकर युवा मत बने रहिए। सुनिए थोड़ी ना बहस, मैं सिर्फ आपको मुद्दे पे आइए, अभी ये सुन नहीं रहे ना, प्रॉब्लम ये इनका दिक्कत ये तो वो सुनने नहीं दे रहे ना। अगर लगातार वो बीच में बोलते रहेंगे तो मेरी मजबूरी है उनको जवाब देना। अब उनको बड़ा हो गया चुप रहे ना, अगर वो उतने बुजुर्ग हैं तो उसका सम्मान रखें। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं करते हैं शिवम जी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, अपनी अपनी बात रखिए, मुद्दे पे आइए। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकारों में कानून बनाने की बातें देखे फिर से चिल्ला रहे हैं, तो आप मुझे एक चीज बताइए, पंजाब में आज तक भी उन्होंने उस कानून को रिवोक क्यों नहीं किया? आप मुझे एक चीज बताइए, मध्य प्रदेश में तो इनके नेता इस बात को छोड़कर चले गए कि इन्होंने किसानों का लोन माफ नहीं किया। सिंधिया जी किस साइड पे हैं? क्या ये नहीं जानते? फिर चिल्लाना शुरू बीच में। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके पास तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बीच में चिल्लाना है, बीच में लड़ना है, इंटॉलरेंस दिखाना है, बार बार हैकल करने की कोशिश करनी है, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अभय जी देश जानता है, आप ये किसानों के कंधे पर जितने दिन भी बंदूक चला सकते थे वो बंदूक आपकी चली गई है, वो कंधा आपका चला गया है, कहानी आपकी खत्म हो गई। आपको वोट जीतने पड़ेंगे, आपके राहुल गांधी जी को जनता के बीच में जाकर वोट जीतने पड़ेंगे। इटली से नहीं चलता ये देश है ना, पार्टी का काम नहीं है ये, इटली से देश नहीं चलेगा। चुनाव में जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में आइए, वोट जीतिए और बन जाइए प्रधानमंत्री। राकेश टिकैत जी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर जो ये चुनाव जीतने का आपका प्रयास है ये बुरी तरीके से विफल हो गया है। नौकरी पहले तो राकेश जी की गई, आपकी भी चली गई, जो थोड़ी बहुत उम्मीद हो गई थी वोट मिलने की वो भी नहीं रही। बहस में मुद्दे पे आइए जनाब, आप दोनों एक मिनट, अभय जी आप भी और शिवम जी, मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से मुद्दे पे बात करें तो बेहतर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।